हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। देखिए, कोरोना के खिलाफ जंग में पुलिस के जवान पूरी मुस्तैदी से जुटे हुए हैं। देखिए, पुलिस के जवान मुस्तैदी से जुटे हुए हैं, लेकिन हम भी मुस्तैदी से जुटे हुए हैं। #PMONABP, इसको आप ध्यान में रखिए, अपनी राय भी जाहिर कीजिए और खबर आगे दिखाते हैं। पुलिस न केवल लॉ एंड ऑर्डर और प्रशासन को संभाल रही है, बल्कि कई मोर्चों पर और भी जुटी हुई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली पुलिस की। दिल्ली पुलिस के महिला जवानों पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप इन पुलिस कर्मियों को सलाम करेंगे और कहेंगे कि वाकई इतनी लंबी ड्यूटी के बाद पुलिस कर्मी क्या ये भी कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की महिला जवान दिन रात मास्क बनाने में जुटी है, तो कहीं महिला पुलिसकर्मी खाना बना रही है। तस्वीरें दिल्ली के नजफगढ़ थाने की है। नजफगढ़ थाने के ये जवान 8 घंटे ड्यूटी के बाद लोगों की मदद में जुटी है। हर महिला जवान मास्क बनाने के लिए 3 घंटे का समय देती है। अब तक 10,000 से ज्यादा मास्क बनाए जा चुके हैं, जिसे आम लोगों में बांटा गया है। इतना ही नहीं, कोरोना की वजह से बेसहारे लोग भूखे न रहे, इसके लिए महिला पुलिसकर्मी खाना भी बना रही है। हर रोज सुबह ड्यूटी से पहले जवानों की ये टुकड़ी खाना बनाने के काम में जुटती है। पूरी सब्जी बनाई जाती है और गरीब मजदूरों में बांटा जाता है। तो देखा आपने, सिर्फ एकाध काम नहीं है पुलिस के पास, इनका जो काम का दायरा है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। और इस बीच में वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो बहुत सारे लोगों को प्रेरणा दे सकता है। इस बीच आपको एक बार फिर से याद दिला दें, सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन होने वाला है और उसकी हर एक खबर सबसे पहले आपको मिलेगी एबीपी न्यूज पर। #PM1ABP के जरिए आप अपनी राय बताइए, क्या लगता है, क्या कुछ हो सकता है इनके संबोधन में। अब मात्र 3 घंटे 47 मिनट और कुछ ही सेकंड का वक्त बचा है, जब प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। अब आपके सामने, चूंकि हमने अभी आपको दिल्ली की खबर दिखाई, तो देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले कब कब और कैसे कैसे बढ़े, ये आंकड़ों के जरिए हम आपको समझा रहे थे कि आप स्थिति समझ सके कि किस तरीके के हालात हैं। तो देखिए, दिल्ली में कोरोना के मामले हम आपको बता रहे हैं, 26 मार्च को 39 मरीज थे और एक मौत थी, ये शुरुआत हुई दिल्ली में। इसके बाद 29 मार्च आते आते मरीजों की संख्या हो गई 72 और मौत का आंकड़ा बढ़ गया एक और, यानी 2 मौतें हो गई दिल्ली में। इसके बाद 1 अप्रैल की स्थिति, 152 मरीज हो गए कुल और मौतों का आंकड़ा वही बरकरार रहा, यानी 2 ही मौतें वहां पर तब तक हुई थी 1 अप्रैल तक। इसके बाद आगे बढ़िए, 4 अप्रैल को 445 मरीज हो गए दिल्ली में और 6 मौतें हो गई, यानी मौत का आंकड़ा एक बार फिर से बढ़ गया। इसके बाद 7 अप्रैल को 550 मरीज सामने आए और 9 हो गई मौत के आंकड़े। फिर 10 अप्रैल को 903 मरीज सामने आए और 14 लोगों की मौत हो गई कोरोना से संक्रमित होने के चलते। फिर 1154 मरीज हो गए 12 अप्रैल को और 24 हो गया मौत का आंकड़ा दिल्ली में 12 अप्रैल को। तो किस तरीके से केसेस बढ़े हैं और कब कब केसेस बढ़े हैं, ये मकसद था आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने का कि दिल्ली के हालात, देश की राजधानी के हालात किस तरीके के। क्यों है एबीपी लाइव न्यूज लवर्स का फेवरेट? वर्क डेडलाइंस में भी स्टे अपडेटेड ऑलवेज, सो स्मार्ट कि ये करे सिर्फ ब्लू टिक वाली न्यूज पिक। जस्ट लाइक घर जैसा कंफर्ट है बेस्ट, वैसे ही अपनी लैंग्वेज में न्यूज की फील है लिट। एनी टाइम फूड डिलीवरी के टाइम पर मिलिए अपने फेवरेट एंकर से किसी भी टाइम। एबीपी लाइव ऐप के साथ रहो सबसे आगे। डाउनलोड नाउ।